हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर रोज नए नए नारे गड़े जाते हैं। सरकार नई नई योजनाएं लाती है, सामान्य रूप से देखें तो ये आपको बड़ी कोशिश लगेगी, लेकिन जब आयुर्वेद पढ़ाने वाले छात्रों के बेटा पैदा करने की विधि बताई जा रही हो, उनको ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, उनके सिलेबस में ऐसी बातें बताई जा रही हो, तो सवाल तो खड़ा होगा ही। ऐसे ही सवाल खड़ा हुआ है आयुष मंत्रालय के तहत पढ़ाई जाने वाली किताबों में। जी मिठाई खिलाओ, आपकी पोती का चयन नवोदय विद्यालय के लिए हुआ है। मगर मुखिया जी, मगर वगैरह कुछ नहीं, आगे की पढ़ाई की तैयारी करो इसकी। रास्ते अब खुल गए हैं बेटियों के वास्ते, हौसलों के पंख हैं, उम्मीदों के रास्ते। सुनो सुनो हमारे मन की बात, पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक विज्ञापन था, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। एक तरफ सरकार हजारों करोड़ रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान पर खर्च करती है, तो दूसरी तरफ आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बताया जाता है कि कैसे सिर्फ लड़का पैदा किया जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये ज्ञान आयुष मंत्रालय के सिलेबस में है। दरअसल महाराष्ट्र में आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी के स्नातक कोर्स यानी BAMS की टेक्स्ट बुक में ऐसी रेसिपी है जिसमें बेटा पैदा करने की तकनीक के बारे में पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस की किताब में इस रेसिपी को चरक संहिता से लिया गया है। आरोप के मुताबिक टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि बेटे की इच्छा रखने वाली महिला को सोना चांदी या लोहे से दो पुरुषों की छोटी मूर्तियां बनानी चाहिए। इसके बाद उन्हें भट्टी में झोंक कर पिघलाना होगा और पिघले हुए पदार्थ को दूध दही या पानी में मिलाकर पुष्प नक्षत्र की शुभ घड़ी में पीना होता है। किताब में बेटा पैदा करने की इस विधि के बाद अब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के BAMS के जो सिलेबस है उसमें चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कुछ ऐसे लिखा हुआ चैप्टर है, उससे PCPNDT जो एक्ट है उसके सेक्शन 22 का भंग होता है, और इसके खिलाफ मैंने महाराष्ट्र के जो फैमिली हेल्थ ऑफिसर है एडिशनल डायरेक्टर उनके पास कंप्लेंट की है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ओर से अब इस पर सफाई दी जा रही है। पुंसवन का अर्थ ये कभी नहीं होता कि पुरुष की प्राप्ति के लिए, पुंसवन का अर्थ होता है कि जिसको कंसीव नहीं होता है, बच्चा होता है लेकिन बीमार पैदा होता है, तो अच्छी बेबी किस प्रकार से पैदा हो और सो बीमार या बीमार रहित हो, तो टीकाकार होते हैं, हिंदी का अर्थ निकालने होते हैं, मराठी में लिखते हैं अर्थ निकालते होते हैं, तो उसके अनुसार उनका पूप देख लिया तो पुरुष ऐसा अर्थ निकाल लिया, लेकिन संस्कृत साहित्य में ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ है कि सुप्रजा या मेल चाइल्ड हो या फिर फीमेल चाइल्ड हो, जो भी अपने को प्रजा निर्माण करनी है वो सुदृढ़ हो, मतलब उनकी जो लाइफ में जो पूरे लाइफ में वो हेल्दी रहे, ये उसका अर्थ है। तो इसका मतलब सिर्फ पुरुष ये नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब इसके थ्रू लोगों के तरफ गलत मैसेज स्प्रेड अप हो रहा है जो बिल्कुल गलत है। वहीं ऐसी पढ़ाई करने वाले लोग यदि डॉक्टर बनकर निकलेंगे तो वो लोगों को क्या बताएंगे। जहां एक तरफ देश विकास की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हम लड़का और लड़की का भेद करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश चौहान के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। ऐसा पहले भी हुआ था जब एक दवा की बात सामने आई थी, उसके बाद भी कहा गया था कि नहीं दवा का मतलब नहीं समझा गया, उसका मतलब तो कुछ और था, अर्थ कुछ और निकाला गया। अब भी इस बार यही हो रहा है, यही हमने रिपोर्ट में देखा, लेकिन सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी बना दी है इसकी जांच के लिए।